करनाल के लघु सचिवालय में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिला उपायुक्त को सौंपा है। आपको बता दें कि इंद्री हलके के 5 गांव के किसान अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय करनाल पहुंचे। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर सुनील पवार भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि गत 14 मई को जो ओलावृष्टि और आंधी आई थी उसमें किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिसमें ज्यादातर किसानों की सब्जियों की फसल किसानों का 30,000 से 35,000 तक का खर्च बुवाई करने में लगा था, परंतु फसल नष्ट होने के बाद किसान पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पे है। उन्होंने कहा कि आज यह किसान अपनी मांग को लेकर जिला उपायुक्त से मिलने पहुंचे हैं ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो सके। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि सरकार द्वारा किसानों की फसल बर्बाद होने पर भावांतर किसान भरपाई योजना को चलाई गई है, उसके तहत किसानों की नष्ट हुई फसल की भरपाई की जाए। डॉक्टर सुनील पवार ने कहा कि एक तो लॉकडाउन की वजह से किसान वैसे ही बर्बाद हो रहा है, ऊपर से प्राकृतिक आपदा के कारण किसान पर दोहरी मार पड़ रही है, इसीलिए सरकार से मांग की जाती है कि वह किसानों के नुकसान को देखते हुए इनकी मांग को जल्द से जल्द पूरा करे ताकि किसान अपना जीवन यापन कर सके। इस मौके पर उनके साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। यहाँ हम आपको बता दें कि ओलावृष्टि के कारण सब्जी की खेती करने वाले किसानों को भारी नुकसान सहना पड़ रहा है, वहीं कोरोना महामारी के चलते किसानों पर यह दोहरी मार पड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और ये तस्वीरें हैं मिनी सेक्ट्रेट से। इंद्री के गांव में ओलावृष्टि के कारण फसल में हुए नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर आज जिला उपायुक्त कार्यालय पहुँचे हैं। उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील पवार भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्या मांग करने के लिए आए हैं। हाँ जी, क्या मांग करने के लिए आए हैं सनी जी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस वक्त जब किसान बड़ी मुसीबत और बड़ी मुश्किल स्थिति से गुजर रहे हैं तो उनकी कवरेज के लिए आप यहाँ पधारे। आज लगभग 5-6 गाँव के जो किसान हैं, जो पिछले काफ़ी सालों से सब्जी की पैदावार यहाँ पर करते हैं, हल्का इंद्री से जैसे खेड़ी मानसिंह है, समोरा, चूरनी, डिपो, जनेश्रो, तो इन गाँव के अंदर अभी 14 तारीख को भारी जो है ओलावृष्टि हुई है और उन ओलों की वजह से वहाँ की जो सब्जी की फसल है वो 100% ख़त्म हो चुकी है। तो 14 तारीख से लेके आज 19 तारीख तक किसी भी प्रकार की गिरदावरी का काम वो प्रशासन की तरफ से नहीं हुआ। तो आज एक डेलीगेशन इन 5-6 गाँव के किसानों का, वो कल हमने टाइम लिया डीसी साहब से मिलने का, उन्होंने 12 बजे का हमें टाइम दिया और आज किसी कारणवश हो सकता है कि फील्ड के अंदर वो निकल गए और लगभग 1 बजे तक का उन्होंने कहा है कि वो वापस आएंगे। तो आज आपके चैनल के मार्फत भी और डीसी साहब को ये ज्ञापन देकर ये किसान अपनी समस्या को उठाना चाहते हैं और सरकार का ध्यान इस ओर केंद्रित करना चाहते हैं कि इन किसानों ने 30,000 रुपये में 4 महीने के लिए ज़मीनें किसी ने ठेके पे ली और कुछ किसानों की अपनी ज़मीन थी, उसके बाद 1 एकड़ ज़मीन के ऊपर लगभग खीरे की खेती के लिए 18,000 से 20,000 रुपये का खर्चा, शिमला मिर्च के लिए 25,000 से 28,000 रुपये तक का खर्चा, मिर्च और गोभी और दूसरी सब्जियों में भी वो 18,000 से 22,000 रुपये से ज़्यादा का जो खर्च है वो 1 एकड़ के अंदर आया और किसान की जो मेहनत है वो अलग। तो आज ऐसी परिस्थिति में जब इनकी फसल पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है तो सरकार ने 3-4 साल पहले एक भावांतर योजना का नारा दिया था कि हम सब्जी वाले क्षेत्र के अंदर भावांतर योजना लागू करेंगे ताकि किसान को सब्जी का पूरा उचित दाम ना मिले तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। आज मैं सरकार से डीसी करनाल के मार्फत ये निवेदन करना चाहता हूँ कि उस भावांतर योजना के तहत ये मान के चलें कि किसान की पैदावार तो हुई लेकिन मंडी के अंदर उनका दाम शून्य रहा और शून्य के हिसाब से भावांतर योजना के तहत कंसिडर करके इनकी लागत प्लस इनकी मेहनत का जो मुनाफा है वो ऐड करके इनको मुआवजे के रूप में दिया जाए या फिर प्राकृतिक आपदा जो विभाग है उस विभाग के मार्फत इन किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाए ताकि आने वाले समय में इनके लिए जैसे पूरे विश्व और पूरे हमारे भारत के अंदर लॉकडाउन के समय में जो हालात हर वर्ग के हुए पड़े हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं, तो इनके ऊपर तो दोहरी मार पड़ी, एक तरफ कोरोना के कारण लॉकडाउन, उसमें इनका व्यापार धंधा चौपट और दूसरा ओलावृष्टि के कारण इनकी फसल तबाह हुई। तो मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा,
आदरणीय हरियाणा प्रदेश के मुखिया खट्टर साहब से कि हमारे क्षेत्र इंद्री के किसानों की तरफ ध्यान केंद्रित करें और जल्द से जल्द इनकी गिरदावरी करा के जो भी मुआवजा इनका जायज़ बनता है वो इनके खातों में डालने का कष्ट करें। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.